हेलो दोस्तों अगर आप एन का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं लाइन बाय लाइन लाइफ प्रोसेस चैप्टर का तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं या फिर अगर आपको एन का नहीं आपको मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं वही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आप उसको जाके देख सकते हैं हाँ तो शुरू करते हैं हाइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिक्स पॉइंट टू पॉइंट टू हाइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रीशन Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material, as well as how it is obtained by the organism. हर organism adopted है उसकी environment के हिसाब से, उसकी environment जैसी है उसी के हिसाब से वो adopted है। वो जिस nutrition को perform करता है, वो differ करती है टाइप में और अवेलेबिलिटी में फूड की जो वो खाने वाला है उस फूड की अवेलेबिलिटी में और टाइप के कारण उस जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है वो भी डिफर करती है और एक और फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है वो है वो ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिशन को कैसे गेन करता है कैसे प्राप्त करता है फॉर एग्जाम्पल वूड सोर्स स्टेशनरी सच एस ग्रास और मोबाइल सच एस डियर वलाट इज दर्टस

कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी के आउटसाइड जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको फूड के ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक वो डेड एंड डिकेंग मैटर पर फीड करते हैं आउटसाइड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आउटसाइड उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सच आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच ऑर्गेनज परफॉर्म्स एग्जाम्पल्स आर फंजाइक होते हैं, वो को अपनी हैं उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं वॉट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग क्या बॉडी के अंदर ले जाना है और कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है मतलब कैसे डाइजेस्ट करना है वो बॉडी डिजाइन और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है सम और अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से जैसे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स उनके अलावा उनको बिना मारे सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स और द न्यूट्रिशन दे आर इज कॉल्ड Parasitic nutritive strategy or parasitic nutrition. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, amarbal, ticks, lice, leeches, and tapeworms. This is a brief introduction of heterotrophic nutrition. Now let's continue. How do organisms obtain their nutrition? How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differs, the digestive system in different, in various organisms, since the food and the way it is obtained differs, the digestive system is different in various organisms. In single cell organisms, the food may be taken in by the entire surface. But as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to form different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface, which fuse over the food particle, forming a food vacuole (Figure 6.5). Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested materials move to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a defined shape, and food is taken in at a specific spot. Food is moved.

इंक्रीज होती जाती है मतलब तो वो बड़ा होता जाता है कॉम्प्लेक्स होता जाता है उसकी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनते जाते हैं जो ये काम करते हैं फूड को कैप्चर करने का उसको डाइजेस्ट करने का एब्जॉर्ब करने का ये काम स्पेसिफिक पार्ट्स डिजाइन हो जाते हैं उसके लिए वो करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल अमीबा उसकी टेम्प्रेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं सीडोपोडिया उनका यूज करता है अपने फूड को ऑप्टेन करने के लिए ये सेल सरफेस से फ्यूज हो जाता है फूड क्योंकि सेल्सर सरफेस पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उससे फूड अंदर फ्यूज हो जाता है फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है और, और जो डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो अनडाइजेस्टेड बचता है उसको फ्यूज कर देता है वापस बाहर से और उसको बाहर निकाल देता है ठीक है ऐसे ही पैरामीशियम होता है वो अपनी हेयर होते हैं उसके यहाँ पे जिसे हम कहते हैं सिलिया उनका यूज करता है अपने फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट पर ले जाने के लिए इसे हम कहते हैं फीडिंग इनके बारे मैं आपको पहले मैं आपको एक जल्दी से एक डायग्राम भी समझा देता हूँ एंड न्यूट्रिशन का है वो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है हाँ तो ये आप देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल दिया हुआ है फूड पार्टिकल

Let's go to figure 6 .6. हम हम पे 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 जा रहे हैं। हैं। हाँ तो हम figure 6 .6 पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से पार्ट समझा देता हूं। के की के होता है। इसके सबसे ऊपर इसके पे एक मसल होता है माउथ में उसे हम कहते हैं टंग और माउथ का बकल कैविटी होता है फिर एक पाइप होता है असोफेगर जो फूड को स्टमक तक ले जाता है वहां पर एक ऑर्गन होता है जिस जिसे हम कहते हैं डायाफ्रम जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके जस्ट नीचे होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट भी करता है गोल ब्लैडर होता है एक ऑर्गन जो बाइल को स्टोर करता है जब फूड नहीं होता स्टमक में तो उसको एक्स्ट्रा जो बाइल लीवर रिलीज करता है उसको वो स्टोर कर लेता है और एक बाइल डक्ट होता है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं उसे कॉमन बाइल डक्ट इसीलिए कहते हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा लीवर लीवर आप मैं आपको बता चुका हूँ स्टमक होता है थ्री पार्ट है, होते हैं डोडेनम फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट जेजेनम थर्ड पार्ट इलियम लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होता है उसके फर्स्ट में उसे हम कहते हैं अपेंडिक्स और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं कोलन उसका लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है यहां से फूड बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं एनस, ओके okay? तो मैंने आपको जल्दी समझा दिया है तो चलते हैं हमारे टेक्स्ट पे वापस हाँ तो हम टेक्स्ट पे वापस आ चुके हैं वॉट द फूड वंस इट्स इंटर आवर बॉडी वी शॉल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर क्या होता है फूड को जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ये हम अब डिस्कस करेंगे

हाँ तो शुरू करते हैं हाँ तो कंटिन्यू करते हैं मैं गलती से बोल दिया शुरू करते हैं इसमें एक जो टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब ए उसमें आपको एब्सेंस ऑफ स्टार्च मिलेगा एब्सेंस ऑफ स्टार्च आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि जो सेलाइवा था उसने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में इसीलिए आपको टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च नहीं मिलेगा जबकि टेस्ट ट्यूब बी में आपको स्टार्च मिलेगा तो टेस्ट ट्यूब जो बी है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर उसका टेस्ट ट्यूब ए का जबकि नहीं होगा ओके तो इसको कंटिन्यू करते हैं चलो

पार्टिकल्स जनरेट करने के लिए जो बहुत स्मॉल होते हैं और एक ही टेक्सचर के होते हैं सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स मिलते हैं सारे फूड से जो भी खाते हैं उस सब से दिस इज बाय क्रशिंग द फूड टीथ अचीव किया जाता है हमारे दांत जो हमारे मुंह में बकल कैविटी प्रेजेंट होते हैं उनसे फूड को क्रश करने के मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोक करने के बाद मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं हम इसको सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ जिस प्रकार से उसका जो कैनाल है, small intestine का वो soft है इसी कारण जो फूड है वो भी वेटेड होता है फूड वेटेड का मतलब गीला टाइप का होता है जिससे कि वह अपना क्या बना सके वे उस पैसेज में वेन वी इट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वॉटर्स दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वॉटर बट अ फ्लूड कॉल सिला अच्छा तो मुं नहीं है, उसमें एक या कह सकते हैं, होता है। वो, वो सैक्रिएट करते हैं वही होता है हाँ तो कंटिन्यू करते हैं फूड वी इनजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर इफ इट टेस्ट टू बी एब्सॉर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज बी ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर मॉलिक जो फूड की वो है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता, होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसको एबजॉर्ब करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना होगा दिस इज डन विद दायोलॉजिकलटेलिस्ट कॉल इन साइंस ये काम किया जाता है छोटे छोटे में ब्रोक करने का उसको सिंपल बनाने का कुछ बायोलॉजिकल

शुगर है उसे मोनोसाइट बोल सकते हैं पॉलीमोनो आप समझ गए कॉम्प्लेक्स टू सिंपल द फूड इज मिक्स विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द द माउथ बाय बाय च्यूइंग मस्कुलर टंग ये फूड है उसको सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है चबाते चबाते हम आम जब चबाते हैं खाने को तो और हमारी जीभ की मदद मतलब से उसको एक मस्कुलर हमारी जो जीभ है वो एक मसल है उसकी मदद मतलब से एक गोल से स्पेरिकल टाइप के शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं बोलस इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन भी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट यह बहुत ज़रूरी है कि फूड को एक रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में प्रोसेस किया जाए प्रॉपरली हर पार्ट में एक रेगुलेटेड मैनर में फूड को मूव किया जाए यहाँ से माउस से पूरे एनस तक ये बहुत जरूरी है मतलब कंटिन्यूसली रेगुलेटेड मैनर में उसको मूव किया जाए बहुत जरूरी है फूड को प्रोसेस करने के लिए यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए उसको एब्जॉर्व करने के लिए द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड हमारे जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लाइनिंग है उसमें कुछ मसल्स हैं जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स वो कॉन्स्टेंटली स्मूथ क्या कर सकते करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जिससे कि हमारा फूड हमेशा मूव करता, करता रहता है ऊपर से नीचे तक चाहे आप उस समय किसी भी पोस्टर में फूड हमेशा मूव करता रहता है

स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड वार्ज ऑर्गन है जो कि बड़ा हो जाता है जब फूड उसके अंदर एंटर करता है फूड थ्रोली digestive juices। जो स्टमक की वॉल्स हैं वो मस्कुलर हैं वो हेल्प करती हैं जो हमारे फूड आता है स्टमक के अंदर उसको मिक्स करने के लिए किससे डाइजेस्टिव जूसेस से बहुत अच्छे से मिक्स करने के लिए द डाइजेशन द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक डाइजेशन है स्टमक में वो देखा जाता है किसके द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो टेक केयर करते हैं डाइजेशन की जो वॉल्स होती है स्टमक की उसके वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पैप्सिन को रिलीज करते हैं एक्शन ऑफ पैसिन के लिए प्रोटेक्ट कर करने के लिए किसको स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस को रिलीज करते हैं जी मैं आपको पहले बताऊंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है

स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिपेंड करती है डिफरेंट एनिमल्स पे किसके ऊपर डिपेंड करती है जो खाना वो खाते हैं उसके ऊपर herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested जो herbivorous होते हैं वो ग्रास खाते हैं तो उनको एक स्मॉल जो बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत रहती है इसके लिए जो सेलुलोज होता है उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए

डायशन होता है नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है इट रिसीव सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रिया फॉर दिसम के लिए वो सीक्रेशन रिसीव करती है लीवर और पेनक्रिया से फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू मेड एल्कोलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक इंजाइम टू एक्ट

ये सब कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए उनकी भी हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलता हूं आपको कल थैंक यू फॉर वॉचिंग